वो हुआ क्या था कि यही 33 अंक नहीं था, वो सोचा मैं 12 पे देख लूंगा जीडी या फिर ट्रेडमैन देख लूंगा, जैसे कि 10th में अगर 33 भी अंक नहीं। जैन दोस्तों आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मेरे पास अभ्यर्थी है और ये भर्ती देख कर आया है। आज भर्ती का दूसरा दिन है और भाई आप लोग भर्ती जो अभी देखें कितने का बैच बनाया था उसमें? बैच हमारा तो 96 बना था पर कल बना था, आज 59 का हुआ था। 59? हाँ। अच्छा ऐसा है ना कि 59 का बैच बन रहा है तो उसमें कितने बंदे पकड़ रहे हैं? उसमें तो 20-25 बंदे पकड़ रहे हैं। अच्छा 20? हाँ। मतलब कि बैच बनने का कोई नियम नहीं कि 100 का ही बनेगा, 50 का बनेगा, कुछ कितनों का बन सकता है? नहीं, कल ज्यादा लड़के आए थे इसलिए 50 पहले बन रहा था बैच, फिर बाद में 100 कर दिए, आज 50 ही बन रहे हैं। अच्छा 50 ही बन रहे हैं, तो आपने 59 कैसे बना? 50 कल का। अच्छा कल का, कल का। आज का? आज कल का वो आधे लोग नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए 59 हो गया। अच्छा 59 हो गया, कल का बैच है हम। अच्छा कल का ही? अच्छा अच्छा कल का ही, कल का ही बैच। अच्छा ट्रैक कैसा है? ट्रैक थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है चलेगा, चलेगा नहीं। अच्छा शूज पहन के दौड़ना अच्छा रहेगा खाली पाँव? खाली पाँव दौड़ेगा तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा नहीं? अच्छा टाइमिंग अंदाज कितना दे रहे हैं स्टूडेंट को? टाइम 5 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड दे रहे। अच्छा अच्छा दोस्तों ये टाइम का मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, भाई साहब ने भी टाइम नहीं लगाया था, एक अंदाज अनुमान बता सकता है, बट आपकी मेहनत ही मुकाम हासिल कर सकता है। दूसरी है कि कितने बैच आपने देखा रनिंग हुआ? हम तो एक ही बैच देखा। अच्छा एक ही, आगे वाला पीछे नहीं देखा कि कितना? आगे वाला ही देखे हैं हम। अच्छा एक ही आगे वाला देखा है, उसमें कितना लिया था लड़का? उसमें पता नहीं हमको दिखा नहीं। तू नहीं देखा? आपने कितना लिया? हमारे तो 15-20 होगा ऐसे लिए लड़के को। क्वालिफाई किया? हाँ क्वालिफाई किया, एक्सीलेंट और गुड दोनों ही रहता है ना। तो एक्सीलेंट में कितना लिया? एक्सीलेंट में 6-7 लिए, 7 लिए। अच्छा गुड में? गुड में 10 आसपास लिए। 10 आसपास। हाँ। आपके बैच में कितने लड़का था? हमारा बैच में 59 का। अच्छा 59 का। एंट्री टाइम डॉक्यूमेंट क्या क्या लिया था वहाँ पे शहीद चौक के पास, अरे सैनिक चौक के पास? ओ हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट, बस दो ही। आधार कार्ड नहीं लिया? हाँ आधार कार्ड जैसे ही देखे मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे एजुकेशन सर्टिफिकेट और रेसिडेंट का। अच्छा इतना सा ही जी? उसके बाद वही देखता है फील्ड में, ग्राउंड में जो वहाँ सैनिक चौक के पास, वही चेक करता है क्या एंट्री टाइम? फिर एंट्री टाइम चेक करते हैं। अब वहाँ क्या देखते हैं? वही तो पहले से बताया जाता ना एजुकेशन सर्टिफिकेट। अच्छा वो हल्का देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ चेक करता है? हाँ यहाँ चेक करके बाद रनिंग कराता है। रनिंग कराता है, कितने बजे रनिंग स्टार्ट हो गया अंदाज? क्या रनिंग कितने टाइम स्टार्ट हो गया, कितने बजे? कितने बजे हमारे तो मोबाइल जमा ले लिया था, जमा ले लिया, जमा ले लेता भाई, मोबाइल जमा ले लेता इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। बाकी बात फिर और फौज सब कैसे हैं, बर्ताव सब कैसा है? अच्छा है, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं? कोई रनिंग टाइम 1-2 गो बोल के विसिल बजा देता है। हाँ विसिल बजाते हैं और बाकी बात सब सही चल रहा है, बाकी सब सही। आगामी और बंदे आएंगे उसे क्या कहेंगे आप? भाई थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। और ऐसे भर्ती कहीं पे भी नहीं हुआ है जो कि भर्ती में 20-25 को ले रहे हैं एक ही बैच, और वो 50-60-70 के बैच में ही ले रहा है। आप लोग देखेंगे इसको ले रहे हैं। हर जगह 100 का बन रहा था, कोयम्बटूर में तो बच्चे बोल रहे हैं कि 300-400 का भी अधिक बच्चे आया तो बना दिया। तो इसी के कारण से आप लोग भर्ती देखने आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लें और डॉक्यूमेंट पूरा लेकर आए, बस जितना सा बोला गया। ऐसे डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो जाके देख लें। आप लोग भी भर्ती देखें भाई, थोड़ा सा आ जाओ। कोई नहीं, अब फिर मिलते हैं, क्वालिफाई वाला मिलेगा। क्वालिफाई वाला किस टाइम छोड़ता है कुछ पता नहीं चलता है भाई, अगर मिलता तो मैं जरूर बताता। क्या क्वालिफाई वाला शाम में छोड़ता होगा? नहीं वो अच्छा कौन सा ट्रेड था आपका? आपका कौन सा ट्रेड? टीडीएन का। टेक्नीशियन? नहीं नहीं टीडीएन का। अच्छा ट्रेडमैन? ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन का इसका ट्रेड। तो एक आवश्यक सूचना है, आप लोग जब भर्ती देखने यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमारे 10th में अगर 33 अंक नहीं है पर सब्जेक्ट, मैं 12th पे भर्ती देख लूंगा, आप भूल से भर्ती देखने नहीं है। मेरे पास एक स्टूडेंट अभी आया था, वो बेचारा अपनी लोग के लिए कहने के लिए आया था, उसने ये समस्या देखा। लगभग कल 1200 से 1500 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट को बाहर कर दिया था। वो हुआ क्या था कि यही 33 अंक नहीं था, वो सोचा मैं 12th पे देख लूंगा जीडी या फिर ट्रेडमैन देख लूंगा, जैसे कि 10th में अगर 33 भी अंक नहीं है तो 8th पे ही चलेगा ट्रेडमैन। इन्हें कि 33 अंक नहीं है तो मैं 10th पे ट्रेडमैन देख लूंगा, नहीं, ट्रेडमैन के लिए 8 ही चाहिए और जीडी के लिए 10th चाहिए, और 12 के लिए तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि जीडी है, ट्रेडमैन है और क्लर्क है, यही का भर्ती है टी आर्मी में।
तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो अगर अंक है तभी आए, अन्यथा यहाँ से घूम के जाएंगे, इसलिए मैं आप लोग को अपडेट दे दिया। जय हिंद।